तो लीजिए दोस्तों, देसी चव लिटिल किचन में मैंने आज बनाए हैं ये फटाफट स्टफ़्ड करने के लिए ये मेरे ब्रेड पैकेट्स। और इनको बनाने के लिए आज मैंने क्या टिप और क्या ट्रिक यूज़ करी है वो तो आपके साथ शेयर करूँगा ही करूँगा। और इनको बनाया है मैंने आज ये सैलड सर्व करने के लिए, ये देखिए। और ये सैलड भी काफ़ी हेल्दी सैलड है। ये मैंने अवाकाडो, ड्रैगन फ्रूट और अपना बाबू गशा के साथ में बनाया है। ये देखिए कितना ही शानदार लग रहा है ना। और इसको बनाने के लिए आज मैंने क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स यूज़ करी है वही सब मैं आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट दिस हेल्दी सैलेड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ़ राजेश, देसी चव लिटिल किचन से। दोस्तों आज मैंने बनाया है सैलेड अवाकाडो फ्रूट के साथ में। उसकी रेसिपी मैं अलग से डाल दूंगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप भी बोलेंगे ये कैसी शुरुआत कर रहे हैं, पर आज उस सैलेड को और अच्छा और टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक मेरी छोटी सी ट्रिक। ये मैंने ब्रेड स्लाइस ले ली है और इसकी मैं अब साइड्स काट दूँगा। ये देखिए, और इसका मैं बना लूँगा ब्रेड क्रम्स। इस तरीके से मैं साइड्स काट लूँगा। तो मैं झटपट फ्लैट करते हुए इसको मैं फटाफट रोल कर लूँगा। ये देखिए, और कोशिश कीजिएगा ब्रेड जो है ना वो आप ताज़ा लें। जितनी ताज़ा लेंगे उतनी अच्छी बनेगी और वो जगह जगह से हटेगी फटेगी नहीं। तो ये हो गया, ये देखिए सारे ब्रेड ऐसे रोल हो गए। और मैं जो कटिंग है इसका फटाफट ही मैं क्रम्ब बना के आपसे मिलता हूँ। तो लीजिए ये झटपट मेरा क्रम्ब भी बन गया और इसको भी मैं साथ ही साथ इसको भी यूज़ कर लूँगा और कुछ ब्रेड कटिंग्स की मैं क्रोटन्स बना लूँगा। ये मेरे स्लाइस रोल भी हो गए, क्रम्ब भी बन गया और क्रोटन भी बन गए। तो अब इन स्लाइसेस को मैं झटपट ही एक स्लरी बना के उनको उसमें डिप करते हुए क्रम्ब कर लूँगा ताकि इनके मैं पॉकेट्स बना सकूँ। स्लरी मैं थोड़ी सी ही बनाऊँगा, जितनी ज़रूरत है। ये मैं कम पड़ेगी तो दोबारा देख लूँगा। देखिए मैंने लगभग 1 टेबलस्पून के लगभग मैंने मैदा ले लिया और इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा नमक ताकि जो कोटिंग करूं वो भी ब्लेंड ना हो। ये पानी डाल के इसको मैं झटपट विस्क कर लूँगा ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और ये देखिए झटपट स्लरी बन गई ना, थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो पानी में थोड़ा सा और डाल लूँगा। ये देखिए, और अब हमने स्लाइस पेयर में लेने हैं और फटाफट स्लरी में डिप करते हुए इसको बहुत ज़्यादा देर इसके अंदर में नहीं रखना और इसको हम तुरंत क्रम्ब में ले आएंगे। ये देखिए, और इसको झटपट हम अच्छे से क्रम्ब कोट कर लेंगे। ये देखिए, ताकि हम इसका एक अच्छा सा पैकेट बना सकें। इसी तरह मैं बाकी स्लाइस भी फटाफट क्रम्ब कोट करके आपको इसके बाकी टिप्स भी बताता हूँ। ये मेरे पैकेट अच्छे से क्रम्ब हो गए हैं और इनको बहुत ज़्यादा देर भी सोख नहीं किया और इनके कॉर्नर्स को अच्छे से दबा के हमने सील कर लेना है। और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये मैंने तेल चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि गर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो ये थोड़ा सा और गर्म होता है तो हम इसके अंदर में अपने जो ये हमने ब्रेड पॉकेट्स बनाए हैं इसको हम तुरंत फ्राई कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, ये पहला मेरा गया अंदर फ्राई होने के लिए और साथ ही में इसको मैं फटाफट ओवरलैप करते हुए इसको फ्राई कर दूंगा ताकि क्रंची भी हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल अंदर से ये ऐसे फ्राई होके ऐसे फूल जाएगा कि इसके अंदर में एक पॉकेट बन जाएगी। ये देखिए बिल्कुल जैसे पूरी फूल जाती है ये बिल्कुल वैसे ही फूल जाएगा। और हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए, यानी कि अपनी शेप भी रिटेन रखे और फर्स्ट क्लास क्रंची भी हो जाए। ये देखिए, और ये देखिए ये मेरा पैकेट कितना शानदार एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया। और अब इसको मैं तब तक फ्राई कर लूँगा जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए और अपनी शेप भी रिटेन रखे। और ध्यान रखना है कि हमने इसको ओवर फ्राई नहीं करना, कहीं ये गोल्डन से काला ना हो जाए यानी जल ना जाए। देखिए ये मेरा पैकेट कितना शानदार फर्स्ट क्लास क्रिस्पी हुआ है। और अब बाकी भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगा। ये देखिए, बस एक हथियार साथ रखिए और साथ साथ ही इसको भी वैसे ही, ये भी बिल्कुल वैसे ही फूल जाएगा जैसे पहले फूला है। टेम्परेचर जो है मीडियम हाई रखिएगा, फुल हाई ना रखिएगा, नहीं तो ये झटपट बैठ जाएगा। ये देखिए, बस एक एक करके सारे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, और कॉर्नर ज़रूर सील कर लीजिएगा, नहीं तो उसमें तेल भर जाएगा। वैसे तो इनको ऐसे भी नमक छिड़क के या चाट मसाला छिड़क के खाने में बड़ा मज़ा आएगा, पर इनको आप अच्छा हेल्दी और स्टफ़ करते हैं। ये देखिए, बड़े आवाज़ सुनिए आप, ये और ये देखिए, ये मेरा कितना शानदार पैकेट बना अंदर से। इसी तरह मैं बाकी भी काट लेता हूँ। पैकेट भी रेडी। और ये मेरा सैलेड, जिसकी पूरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये मेरा अवाकाडो, पियर एंड ड्रैगन फ्रूट के साथ में मैंने सैलेड बनाया है, और साथ में मैंने डाले इसमें नट्स। तो बस केयरफुली हमने इसके अंदर में अपना ये सैलेड भर देना है, ताकि ये डबल मज़ा दे दे, सैलेड का भी और क्रंचीनेस का भी। ये देखिए, अब इसके ऊपर में अगर आप चाहें तो हल्का सा चाट मसाला डाल सकते हैं। ये देखिए, और आप चाहें तो इसके अंदर में चीज़, यहाँ जो भी स्टफिंग चाहे आप इस तरह के पैकेट बना के आप उसमें अच्छे से स्टफ़ कर सकते हैं। है ना कितना शानदार आइडिया। और तो अब जब भी आपको पार्टी में, घर के अंदर में कोई गेस्ट आ रहे हो तो उसको थोड़ा सा एग्जॉटिक बना के देना हो किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन को, तो आप भी ये मेरी ट्रिक और ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। तब तक जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज़ नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही खाते रहिए, खिलाते रहिए, पकाते रहिए, बचाते रहिए, और पैसे भी बचाते रहिए, और खुश रहिए। आपका आज और आने वाला हर दिन शुभ हो।